नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। छाती में दर्द से छुटकारा पाने के लिए इन घरेलू उपायों का करें इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का यही टॉपिक है। अगर आपकी छाती में दर्द होता है तो हम कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिनकी सहायता से आप 2 मिनट में ही इसमें से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों जब आप अपने सीने में तीव्र और जलन का अनुभव करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कहीं ये दिल का दौरा तो नहीं है, और आप घबरा जाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि आपके सीने में दर्द होने का मतलब दिल का दौरा पड़ना ही हो। हाँ, सीने के बाईं ओर दर्द होना अटैक की समस्या हो सकती है, लेकिन सीने के बाईं ओर दर्द होने का अनुभव यही एकमात्र कारण नहीं होता। आपके सीने में दर्द के और भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा कसरत और बदहजमी के कारण भी सीने में दर्द उठता है। खैर, कारण जो भी हो, आप ये सुनिश्चित करें कि ऐसा अक्सर ना हो और इसका इलाज करें। हम यहाँ कुछ घरेलू उपचार और टिप्स के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप सीने के दर्द से इलाज कर सकते हैं। हर व्यक्ति के सीने में दर्द की तीव्रता और अवधि अलग अलग होती है, यानी कि किसी को थोड़ी देर के लिए बहुत तेज दर्द होता है और किसी को हल्का दर्द काफ़ी समय तक रहता है। हालांकि सीने में दर्द की वजह दिल का दौरा कभी भी हो सकता है, लेकिन कई बार या किसी और वजह से भी दर्द होता है जिसे बहुत गंभीर नहीं माना जा सकता। तो आइए जानते हैं पहले सीने में दर्द उठने की क्या वजह होती हैं। दोस्तों ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूरिसी, जख्मी या टूटी पसलियाँ या परिश्रम या दर्द सिंड्रोम से मांसपेशियों में दर्द, समानता ये लक्षण होते हैं आपके छाती में दर्द के। तो आइए जानते हैं दोस्तों अब प्राकृतिक रूप से सीने के दर्द के इलाज के बारे में। अब एक एक नुस्खा बताएंगे, उसका सामान बताएंगे कितना चाहिए और उसको कैसे करना है। पहले हम करते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन दोस्तों, इसके लिए 1 चम्मच लहसुन का रस और 1 कप गर्म पानी। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच लहसुन का रस डालें, उसको अच्छी तरह से मिलाएं और इसे हर दिन पिएं। आप हर सुबह 1 या 2 लहसुन की कलियां भी चबा सकते हैं। और कितनी बार लेना दोस्तों? रोजाना 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि कैसे काम करता है। लहसुन के विभिन्न लाभों में प्रमुख है कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारी को रोकने से मदद करता है और हृदय में रक्त प्रवाह में भी सुधार करता है। हृदय में रक्त संचार अच्छे से ना होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है और सीने में दर्द की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सीने के दर्द में लहसुन का रोजाना सेवन करना चाहिए। अगला नुस्खा है दोस्तों एलोवेरा जूस का। 1/4 कप एलोवेरा जूस का सेवन सीने में दर्द में राहत पहुँचाता है। आप इस जूस का सेवन हर दिन 1 या 2 बार कर सकते हैं। कैसे काम करता है ये दोस्तों? एलोवेरा एक चमत्कारी पौधा है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद गुण कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत करने, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने और उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। और ये सभी कारक सीने में दर्द को राहत पहुँचाने का काम करते हैं। अगला नुस्खा दोस्तों एप्पल साइडर सिरका। 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर सिरका को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं और इसका सेवन करें। आपको भोजन से पहले जब भी आपको सीने में दर्द का अनुभव होता हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब कैसे काम करता है दोस्तों? एप्पल साइडर सिरका में शक्तिशाली सूजन को रोकने के गुण मौजूद होते हैं जो हृदय में जलन और एसिड रिफ्लेक्स को दूर करने में मदद करते हैं, जो सीने में दर्द के पीछे एक आम कारण है। गर्म पेय। सूजन या अपच की वजह से उठे सीने में दर्द को दूर करने के लिए गर्म पेय काफ़ी फायदेमंद होते हैं। गर्म पेय के तौर पर आप 1 गिलास गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर एक हर्बल चाय को भी पी सकते हैं। गर्म पेय सूजन को दूर करने में, पाचन में मदद करने के अलावा हृदय के लिए भी लाभदायक है। इसलिए सूजन या बदहजमी की वजह से होने वाले सीने के दर्द को दूर करने के लिए गर्म पानी या हर्बल चाय को पीना अच्छा माना जाता है। दूध के साथ हल्दी। 1 गिलास गर्म दूध में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से सीने के दर्द से राहत मिलती है। रोजाना रात में सोने से पहले इसे पीना चाहिए। ये कैसे काम करता है दोस्तों? हल्दी में करक्यूमन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है जो व्यापक रूप से कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडेशन, क्लॉट फॉर्मेशन और धमनी ब्लॉक को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी दिल की समस्याओं और सीने में दर्द का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा करक्यूमन में से सूजन दूर करने गुण होते हैं और सीने में दर्द की तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी दोस्तों, 8 से 10 तुलसी के पत्तों को चबाने से सीने के दर्द में राहत मिलती है। अगर आप तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहते
तो आप तुलसी की चाय को पी सकते हैं। इसके अलावा आप एक चम्मच तुलसी के रस के साथ शहद मिलाकर पीने से भी सीने का दर्द कम होगा। पर भावी परिणामों के लिए इसे प्रतिदिन एक बार करें। अब आपको बताते हैं कि तुलसी का रस कैसे काम करता है। तुलसी में विटामिन के और मैग्नीशियम के उच्च स्तर होते हैं। मैग्नीशियम हृदय में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है और रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। विटामिन के आपके रक्त वाहिकाओं के दीवारों में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को रोकता है। यह हृदय विकारों के साथ ही सीने में दर्द के इलाज में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे वो घरेलू उपाय जो आपके सीने के दर्द को रोक देंगे, अगर हो रहा है तो उसको भी आराम देंगे और आपको कम कर देंगे, दर्द को ठीक कर देंगे 2 मिनट में ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।